हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना को चैनल पे। अब सेंट्रल स्टेट हर जॉब करना है अपना, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूँ मैं। मिनी रत्ना कंपनी IRELS से, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसीज है। टोटल 24 वैकेंसीज है। सैलरी आपका 50-60,000 अप्रॉक्स रहेगा। फर्स्ट जो ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट है उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे BE BTECH हो या ना हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो सेकंड पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी, उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा पब्लिक अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा भी ब्रांचेस कौन कौन से है, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इतने ही ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 20 रहेगा जनरल के लिए। अभी पूरा डिटेल में जानकारी रहने वाले इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए कंपलसरी क्राइटेरिया आपका है 60% एग्रीगेट सबके लिए, ठीक है, चाहे कोई भी आप कैटेगरी में हो आपको 60% चाहिए। और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अगर आप ओपन EWS OBC में हो तो 60% एग्रीगेट चाहिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 55% है। सेकेंड पोस्टिंग आपका किधर भी हो सकता है, जिधर भी IRELS है, ठीक है, उनके जो कंपनीज है और लोकेशन है उधर आपको पोस्टिंग मिल सकता है। एग्जाम सेंटर सिर्फ 3 है, एक तो मुंबई है जो महाराष्ट्र में है, ओके, त्रिवेंद्रम है जो केरला में है, और भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। सो यही 3 सेंटर है सिर्फ। प्रोसेस आपका रहेगा, फर्स्ट CPT रहेगा दोनों पोस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट रहेगा बाद में, और 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपको बीच में छोड़ना है विदिन 3 ईयर्स तो आपको 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आप OBC, EWS और ओपन में से हो, और 25,000 देना पड़ेगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, ठीक है, इतना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो 3 साल उधर कंपलसरी रहना पड़ेगा, ओके। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए टोटल वैकेंसी वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं, तो ओपन के लिए 5 है, OBC के लिए 1 है, SC ST EWS के लिए वैकेंसी 0 है, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है ओपन में। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए टोटल 18 वैकेंसीज है, ओपन के लिए 10 है, OBC 4, SC 2, ST 1, EWS 1। कट ऑफ डेट जो है आपका एज लिमिट और क्वालिफिकेशन का, वो है 5th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, तो तब तक आपको देखना है कि आप सेटिस्फाई करते हो कि नहीं एज लिमिट और आपका क्वालिफिकेशन लिमिट। जनरल OBC EWS भरेंगे 400 रुपीज़, SC ST PWD फीमेल के लिए फीस नहीं है। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो फॉर्म चालू हो गया है 15 सितंबर को, ठीक है, 5th अक्टूबर तक लास्ट डेट है, और एग्जाम डेट के बारे में अपने को बाद में जानकारी देंगे ही वो। एज लिमिट जनरल के 26, OBC 29, SC ST 31, PWD है 36 जनरल के लिए, OBC 39, SC ST 42। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ग्रेजुएट ट्रेनी का। तो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए आपका एप्टीट्यूड है, क्वांट है, उसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, और सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है। अभी इधर जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, और बाद में जो अपना स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा उसमें डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे दोनों मिला के, 120 मिनट्स आपका रहेगा, 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं अभी तक क्लियर नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पेपर रहेगा, और जो सेक्शन है, ठीक है, एक आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है और टेक्निकल सेक्शन है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। बाद में डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी सेम सिलेबस है, जस्ट आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका रहेगा टेक्निकल पोर्शन, ओके। तो आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल का पढ़ना है, सिविल से हो तो आप सिविल का पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसा, ठीक है। और बाकी जो भी डिटेल में सिलेबस होगा वो हम स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल आपका क्वांट, रीजनिंग, जनरल में इंग्लिश है, और टेक्निकल पोर्शन आपका है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है, बाद में क्लियर हो जाएगा। पेपर का लैंग्वेज आपका इंग्लिश एंड हिंदी होने वाला है, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ये जो सेक्शन आपका, ये एक सेक्शन है नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है, तो इसका ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। तो जस्ट आपको ट्राई करना है कि आप 100 में से मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट के बेसिस पे मतलब है, ठीक है। तो पूरा जानकारी हम डिटेल में लेने वाले हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में, तो तब तक आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फॉर्म का। तो कुछ भी डाउट है फॉर्म में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, सेपरेट फॉर्म का वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, ओके। बाकी कुछ भी डाउट है अदर देन फॉर्म तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे पर्सनली आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर जाके इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, और कुछ भी आपके डाउट है, क्वेरी है, मैं आपका आंसर करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।